हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके रिश्ते को लेकर डिवाइन की, यूनिवर्स की, एंजल्स की या जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं उनकी क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर इट आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, डिवाइन से प्रे करनी है कि आपको डेफिनेटली 110% हेल्प करें, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस, मैसेज या फिर एडवाइस प्रोवाइड करें एंड देन इस रीडिंग को देखना शुरू करना है, वो भी ओपन माइंड सेट के साथ। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी सबसे रेजोनेट करे, तो जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप रखें एंड जो ना रेजोनेट करे उसे आप जाने दें। ओह माय गॉड, बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हैं इस कनेक्शन में आप, आपके पर्सन या फिर आप दोनों। मैं स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए ये भी फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको ना बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं नए रिश्तों के, लेकिन स्टिल आप किसी ऑफ़र पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को इस पर्सन के साथ बहुत ही स्टक या फिर बंधा हुआ फील करते हैं। मैं स्ट्रांगली ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि आप बहुत बार चाहते हैं कि इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाएं। अब मूव ऑन होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी और को रोमांटिकली इमोशनली चूज़ कर लें, नॉट लाइक दैट। मूव ऑन होने का मतलब इतना यहाँ भी है कि आप में से बहुत सारे लोग खुद के लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, करियर पे वर्क करना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, खुद की हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आप खुद की लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और एंड में होता क्या है कि वो ट्राई, वो कोशिश 2, 4, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं चल पाती। अगेन आप अपने पर्सन को बहुत मिस करने लगते हैं, आपको टेंशन होने लगती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, कब लेंगे, एंड आप अगेन उनकी तरफ खींचने लगते हैं। मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दुख ऑलरेडी मिल चुका है और इस टाइम भी आप लोग पेन में हैं। एक ऐसा पेन जो कभी कभी ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन स्टिल ये कनेक्शन मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस कनेक्शन की ना एनर्जी ऐसी है कि इस कनेक्शन ने ना आप में से बहुत सारे लोगों को टोटली ड्रेन कर दिया है, परेशान कर दिया है। आप लोगों को लगता है कि मतलब ना आप रह सकते हैं साथ, ना आप मूव ऑन कर सकते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, घंटों इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, क्या होगा, कब होगा, कभी ठीक होगा भी या नहीं, कभी आपके पर्सन आपको समझेंगे भी या नहीं, कभी उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा भी या नहीं। इस तरह के सवालों में से कुछ सवाल या फिर और भी सवाल आप लोगों के मन में, दिमाग में चलते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन और एंजाइटी से परेशान हैं। हो सकता है मेडिसिंस लेते हों, एडमिट हो जाते हों, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता हो, बीपी बहुत लो रहता हो, एच बी लो हो, वैसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं। समटाइम आपको डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि लाइक आपका कनेक्शन तो किसी टाइम पे बहुत अच्छा था और अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है या किसी ने आपके पर्सन पे कुछ करवा दिया है जो आपकी सुन नहीं रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ने ही आप पे कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वैसी भी वाइब्रेशंस हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट अगर आपसे कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी आ रही हैं।
आप में से कई लोगों के पर्सन में ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि किसी अल्कोहल, किसी एडिक्शन, किसी लस्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन समस्याओं में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और आपके पर्सन भी ऑलरेडी इतने ज़्यादा कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, इतने ज़्यादा बैगेजेस क्रिएट कर चुके हैं कि चाहकर भी उनका उन बैगेजेस से रिलीज़ हो पाना, उन कार्मिक साइकिल्स को ओवर करके बाहर निकलकर आपको एक्सेप्ट करना बहुत टफ होता जा रहा है। मैं स्ट्रांगली यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन या कोई कुछ ऐसा है जो बहुत ही डोमिनेंट है, या आप में से कुछ लोगों के पर्सन खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ही डोमिनेटिंग हैं, कंट्रोलिंग हैं। कोई तो है जो बहुत ही डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है और इस कनेक्शन को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है या फिर चला रही है। फिलहाल तो इस कनेक्शन में मुझे पेन ही पेन दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट जोडिक्स की मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। कुछ लोगों के लिए जेमिनी एंड अक्वेरियस के भी। नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो 4, 20, 13, 31, 7, 16, 15, 10, 9, 18 ये नंबर, ये डेट्स आप में से कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती है। 25 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहती है मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कि आपको ना फिलहाल एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको ना चाहे ये ऑफ़र्स किसी कनेक्शन के हों या फिर ये ऑफ़र्स किसी करियर के हों, किसी अपॉर्चुनिटी के हों, किसी प्रोजेक्ट के हों, कोई फ्रेंडशिप करना चाहता हो, तो आपको एक बार उन ऑफ़र्स पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। देन डेफिनेटली आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा। अगर कोई आपकी तरफ वेडिंग का हाथ बढ़ाना चाहता है या फिर रिलेशनशिप का हाथ, तो एटलीस्ट आप उससे रिलेशनशिप या वेडिंग बेशक मत करो, लेकिन एक फ्रेंडशिप तो करो, एक चांस तो दो उसे अपने एफर्ट लगाने का। आई डोंट नो कि वो कनेक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट ये जो टफ टाइम है या ये जो एनर्जी आपको एग्जॉस्ट कर रही है, इससे बाहर निकलने में हेल्पफुल ज़रूर होगा। डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपके लाइफ में बार बार दस्तक दे रहा है, जो आपको इस टाइम हील कर सकता है, पैम्पर कर सकता है और इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। तो आपको ज़रूरत है उसको एक्सेप्ट करने की। अगर आप नाराज़ बैठे रहोगे, अपनी लाइफ को कोसते रहोगे और ये सोच के बैठे रहोगे कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। डिवाइन आपकी हेल्प करने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन आप उस हेल्प को एक्सेप्ट करो। कहते हैं खुदा के बंदे भी फरिश्ते ही होते हैं, तो वो जो फरिश्ता कोई प्रोजेक्ट है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, कोई गाइडेंस है, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, उसे एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी दो, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो एंड देखो डेफिनेटली आप इस गम से, इस टफ फेज से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान, आपका अटेंशन कहीं और लगेगा और देन डेफिनेटली ये जो नेगेटिविटी है, इससे बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहती है कि आप इस कनेक्शन में, इस ज़िंदगी में जो भी टफ टाइम का हद होती है ना, हद, वो हद क्रॉस कर चुके हो। मतलब मुश्किल वक्त जितना टूटना था, बिजलियां जितनी टूट के गिरनी थी आपके ऊपर, आपके महल बनाए हुए जो भी टूटने थे, वो सब टूट चुके हैं। मतलब जितना आप लोगों ने बर्बाद होना था ना, उसकी हद क्रॉस हो चुकी है। अब आगे आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा टाइम है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि आपके लाइफ में सब कुछ तबाह हो चुका है और आगे कुछ नहीं हो सकता, तो चीज़ों को रिक्रिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वही डिवाइन आपको कहना चाहती है कि यस, आप अपने पर्सन को नहीं भूल सकते हो और आप जिस भी सिचुएशन में हो या जिस भी हालात में हो, आपको लगता है कि
आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकते तो मत करो मूव ऑन, मत करो मूव ऑन। लेकिन स्टिल जो यादें, जो कंसेप्ट आपको परेशान करते हैं, एटलीस्ट उन कंसेप्ट को अपने माइंड से, अपने दिल से लेट गो करने की कोशिश तो करो। अगर ये इतना टफ वक्त आया है तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ सिखा के ही गया होगा आपको, तो इसमें भी पॉजिटिवनेस ढूंढो, अंधेरे में दिया ढूंढो, एंड देन उस दिए के लिए डिवाइन का अनंतम शुक्राना करो। और डेफिनेटली जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जिनसे आप ओवर अटैच हो, उन टॉक्सिक सिचुएशन चीज़ों से या फिर कनेक्शन से आप लोग बाहर निकल पाओगे। कहते हैं जो हमें बेपनाह प्यार दे उसका भी शुक्रिया, और जो ना दे पाए उसका तो और भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमें जीवन की कई सच्चाइयाँ समझा कर जाता है, बता कर जाता है, जो कि हम प्यार से नहीं सीख पाते। तो अब आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है, खुद की लाइफ पे वर्क करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त जितना आना था आपकी लाइफ में आ गया, आगे सब कुछ अच्छा क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी जिंदा हो तो ये ज़िंदगी आपके खुद के लिए है, औरों के लिए या औरों की सोच में पढ़कर उसको बर्बाद करने के लिए नहीं है। और शायद यही लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल्दी रखने की, खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि किसी थर्ड पर्सन की। कोडिपेंडेंसी हर एक सिचुएशन से, हर एक चीज़ से, हर एक कनेक्शन से हटा दो, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो और आगे बढ़ो। तो ये थे डिवाइन के ब्यूटीफुल लेसन्स, मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग? अगर आपको पसंद आई, आपको कुछ समझ में आया तो थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, एंड आई एम सो ब्लेस्ड भी लिखें, और बार बार इस अफर्मेशन को दोहराएं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। कुछ लोगों को ये भी दोहराने की ज़रूरत है, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट।